हर स्त्री, पुरुष और बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य और समान अवसर पाकर अपना जीवन आनंद से जीने का हक है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गुजरात सरकार ने इस दिशा में लगातार ठोस प्रयासों द्वारा राज्य की ग्रामीण एवं शहरी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने का निश्चय किया है। इसके अंतर्गत दुरुस्त एवं लाभ से वंचित लोगों तक निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इन गुजरात वी हैव मेड प्रोग्राम्स वेयर पीपल्स पार्टिसिपेशन इज द की, स्पेशली इन सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। वी अंडरटेक एनुअल ड्राइव्स। In all these drives, one hand, we engage the entire political leadership and administrative machinery, and on the other, we involve people from all walks of life. स्वप्नद्रष्टा मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गुजरात में इस महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए असाधारण प्रगति की है। गुजरात राज्य के सभी नागरिकों के हित में स्वास्थ्य सुविधा तंत्र को मजबूत करने के लिए पिछले दशक में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आरंभ की गई हैं। प्रतिवर्ष करीब 4 लाख ममता दिवस द्वारा पूरे राज्य में प्रसव से पूर्व जांच, प्रतिरक्षण एवं पोषण सेवाएं दी गई हैं। साथ ही राज्य के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान एक विशिष्ट आधुनिक संचार तकनीक ई ममता के उपयोग से रखा जा रहा है। कस्तूरबा पोषण सहाय योजना गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाली गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध करवाने के लिए सशर्त कैश ट्रांसफर योजना है। सभी सरकारी संस्थाओं में प्रसव पूर्व जांच, प्रसव और प्रसव के पश्चात प्रसूता एवं नवजात शिशु की देखभाल तथा 1 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की संपूर्ण देखभाल बिल्कुल मुफ्त की जाती है। सरकारी संस्थाओं में प्रसव करवाने पर सभी प्रसूताओं को खिलखिलाट वाहनों द्वारा मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाया जाता है। चिरंजीवी एवं बाल सखा जैसी योजना द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले माँ एवं बच्चे के स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल करने के लिए निजी एवं सरकारी तंत्र की साझेदारी आदर्श उदाहरण है। चिरंजीवी योजना को प्रधानमंत्री प्रशासनिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2003 में गुजरात में नवजात शिशु मृत्यु दर करीब 57 शिशु प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म थी, जो सन 2012 में लगभग 30% कम होकर 38 शिशु प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म हो गई है। पिछले 3 वर्षों में करीब 7.5% प्रति वर्ष के औसत से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 को पाने के लिए गुजरात को अभी और सफर तय करना है। सन 1999-2001 में प्रसूता मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म 202 थी, जो सन 2007-2009 में घटकर केवल 148 रह गई है। SRS बुलेटिन के अनुसार प्रसूता मृत्यु दर के संदर्भ में देश में गुजरात 6वां श्रेष्ठतम राज्य है और सन 2015 तक MDG-5 मापदंड को पूरा करने में सफल हो सकेगा। देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में गिरता हुआ लिंग अनुपात चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बधाओ आंदोलन के मजबूत और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण जन्म के समय लिंगानुपात, जो सन 2001 में 837 स्त्री प्रति 1000 पुरुष था, वो सन 2011 में 72 अंक बढ़कर अब 909 स्त्री प्रति 1000 पुरुष हो गया है। बाल लिंग अनुपात सन 1991 में 928 था, जो 45 अंक गिरकर सन 2001 में 883 हो गया था। पिछले दशक में गुजरात ने न केवल इस गिरते दर को रोका, वरन उसे पलटते हुए सन 2011 में 890 तक बढ़ा दिया। इस मुद्दे पर गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में वकीलों एवं न्यायपालिका की बैठक आयोजित की गई। PC एवं PNDT एक्ट का उल्लंघन करने पर ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जाती है, ताकि डॉक्टरों को जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण करने से रोका जा सके। गुजरात सरकार बहुत अच्छी तरह समझती है कि बच्चे भारत का भविष्य है
अपने इस भविष्य को स्वस्थ एवं उज्जवल बनाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसके अंतर्गत वार्षिक 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी एवं अंतर विभागीय समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें नए विषयों जैसे कि स्वच्छता अभियान, पोषण की शिक्षा, दादा दादी मीटिंग इत्यादि को शामिल किया गया है। स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जा पाने वाले करीब 1.5 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य की हर वर्ष जांच की जाती है। इसमें किडनी, कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशिष्ट इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। किडनी प्रत्यारोपण, लीवर प्रत्यारोपण जैसे जटिल इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं और ये अभिभावकों के लिए एक वरदान है। 108 एम्बुलेंस की सेवाएं गुजरात के कोने कोने में फैली हुई है। लगभग 40 लाख आपातकालीन परिस्थितियों को 108 सेवा द्वारा संभाला गया। करीब 1/3 मामलों में तो केवल प्रसव पीड़ा वाली महिलाओं को अस्पतालों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। 525 एम्बुलेंस का दस्ता हर 14 मिनट में एक जिंदगी की रक्षा करता है। सूचना मिलने के हर 46वें सेकंड में एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ त्रिस्तरीय संगठित स्वास्थ्य ढांचा है, जिसमें 7,274 उपकेंद्र, 1,168 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 318 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 उपजिला चिकित्सालय, 30 जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय हैं, जो 24 घंटे गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। किडनी, कैंसर एवं हृदय रोग के इलाज में 3 सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सरकारी चिकित्सालयों में हर वर्ष 3.3 करोड़ से अधिक मरीजों का बाह्य रोगी के रूप में एवं करीब 40 लाख मरीजों का आंतरिक रोगी के रूप में इलाज किया जा रहा है। साथ ही करीब 2 करोड़ प्रयोगशालीय जांच भी की जा रही है। केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसके इतनी अधिक संख्या में जन स्वास्थ्य चिकित्सालयों को NABH एवं NABL ने विश्वसनीय माना है। विभिन्न सूचना एवं संचार तकनीक आधारित परियोजनाओं जैसे गुजरात हॉस्पिटल प्रबंधन सूचना तंत्र, ड्रग्स लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एवं अबिलिटी गुजरात द्वारा नई तकनीकों के उपयोग को आत्मसात किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए गुजरात ने मेडिकल की शिक्षा की पहुंच को बहुत बढ़ाया है। गत 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 11 से बढ़कर 19 हो गई है, जिसके कारण अब हर वर्ष 1,455 की जगह 2,930 विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। राज्य के प्रयत्नों से नर्सिंग संस्थानों की कुल संख्या 35 से असाधारण रूप से बढ़कर 174 हो गई है, जिसके कारण सीटों की संख्या 1,257 से बढ़कर 7,005 हो गई है। मुख्यमंत्री अमृतम योजना गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले परिवारों को होने वाली गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हर परिवार को हर वर्ष 2 लाख रुपयों की स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान है। 1 वर्ष की छोटी सी अवधि में राज्य की करीब 63 हॉस्पिटल, जिसमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी शामिल है, को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब तक 15,000 परिवारों को ये सेवा देकर दारुण गरीबी एवं ब्याज के दुष्चक्र से बचाया जा सका है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट एट ट्रीटमेंट यूनिट, जिसे CM सेतु योजना के नाम से जाना जाता है, के तहत निजी चिकित्सकों को सरकारी अस्पतालों से जोड़ा गया। गुजरात में आदिवासियों की जनसंख्या करीब 15% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। आदिवासियों में मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोग पाए जाते हैं। निजी प्रयोगशालाओं की भागीदारी से सिकल सेल एनीमिया की जांच की सुविधा में वृद्धि हुई है। जहां पिछले 6 वर्ष में करीब 18 लाख जांचें हुई थी, वहीं केवल पिछले वर्ष ही 20 लाख से अधिक परीक्षण हो चुके हैं। पंचायत एवं आदिजाति विकास विभाग के सहयोग से ये कार्य हो पाया। सन 2020 तक राज्य को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से संपूर्ण रूप से मुक्त करवाने के लिए समस्त आदिवासी जनसंख्या की जांच सन 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। इस योजना को भी प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
सन 1978 से गुजरात सरकार द्वारा अस्पतालों में सामान्य बीमारियों की दवाइयां मुफ्त में दी जा रही हैं। फिर भी दवाइयों की समय पर उपलब्धता एवं उपकरणों के उचित मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक स्वायत्त संस्थान गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ये कॉरपोरेशन उपकरणों के रखरखाव के तंत्र को भी मजबूत करेगा ताकि उनकी खराबी को कम किया जा सके। इस संगठन द्वारा कम कीमत पर बीमारियों के निदान की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये सारे विकास कार्य इसीलिए हो पाए क्योंकि सरकार ने स्वास्थ्य की समस्या को केंद्र में रखते हुए इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा का बजट सन 2007-2008 के 1619 करोड़ के प्रावधान की तुलना में सन 2012-2013 में 6467 करोड़ रुपयों का किया गया, यानी करीब 300% की वृद्धि की गई। पूरे भारत की तुलना में गुजरात में अनुसूचित जनजाति की अधिक संख्या को देखते हुए कुल स्वास्थ्य बजट का करीब 17% ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत आवंटित किया गया है। गुजरात के लिए रास्ता अभी बहुत अधिक चुनौतियों से भरा हुआ है, जैसे विशेषज्ञों की अनुपलब्धता, गुणवत्ता युक्त सेवाओं को सुनिश्चित करना, मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्त करना तथा भौगोलिक विषमताओं को नजरअंदाज करते हुए घर तक सुविधाएं पहुंचाना। राज्य में उच्च प्राथमिकता वाले तालुकाओं को पहचान कर विशेष ध्यान देने की नीति को अपनाते हुए वहां तक स्वास्थ्य संसाधनों को पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे मृत्यु के सूचकांक पर गहरा असर पड़ा है। गुजरात अपनी आने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए समर्पित रहा है और आगे भी लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उसी जुनून और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के लिए ये गर्व की बात है कि इन योजनाओं को अच्छी तरह संपादित किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकी है। अभी आगे बहुत सी चुनौतियां हैं। गुजरात सरकार अपने स्वास्थ्य सुविधा तंत्र को विकसित करने तथा आधुनिकरण करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। गुजरात सरकार आम लोगों एवं बुनियादी ढांचे के बीच सतत सहभागिता रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य रक्षा तंत्र और अधिक सुगम, न्याय संगत, पारदर्शी एवं मूल्य प्रभावी हो पाया है। गुजरात ने अपने समर्पित और सामंजस्यपूर्ण प्रयासों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करके ही अपने लोगों के स्वास्थ्य को और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास किया है। ये अब और भी जरूरी हो गया है कि मानव विकास सूचकांक को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं, ताकि राज्य के हर नागरिक के लिए गुणवत्ता युक्त जीवन सुनिश्चित किया जा सके।